हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और वीडियो में। और आज के दिन हम लोग खेलने वाले हैं टोटल एक्यूरेट बैटल सिमुलेटर, क्योंकि मुझे वापस से मन किया वर्सेस वर्सेस कराने का ये गेम के अंदर। तुम लोगों को तो पता ही है कि मुझे कितना पसंद है वर्सेस वर्सेस कराना दो लोगों के बीच में, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। आज मैं थोड़े एनिमे के कैरेक्टर भी लेके आऊंगा, उसके सामने मैं थानोस को ला दूंगा, एवेंजर्स को ला दूंगा, या फिर माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर्स को ला दूंगा। वेल, देखते हैं कि किन किन के बीच में आज हम लोग बैटल कराने वाले हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं और भी ऐसे गेम खेलूं तो लाइक कर देना। तो पहले हम लोग ने बहुत सारे मैप कर चुके हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो हम लोग ने बहुत बहुत कम मैप्स किए थे। अब हम लोग ये भी कर सकते हैं, इंसेंट वन, तो मैं ये करता हूँ। अरे वाह, ये एकदम अच्छी जगह है। अब यहाँ पे बैटल कराने में बहुत मजा आने वाली है। एंड उसके साथ साथ हम लोग के पास है नरूटो। वाह, नरूटो है और भी बहुत सारी चीजें। पहले तो नरूटो में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। उसी के साथ साथ मेरे पास आज एक ऐसी चीज है जो मैंने पहले नहीं देखा था कि ये गेम के अंदर ये भी है। पहले मैंने माइनक्राफ्ट को इसके अंदर लेके आया था टैब्स के अंदर, और उसके अंदर मैंने लाया था जो माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर्स, वो इतने अच्छे नहीं दिख रहे थे। लेकिन आज जो हम लोग लाने वाले हैं ना कैरेक्टर्स, भाई बहुत मस्त है। जैसे कि ये देखो, ये रहा हमारा स्टीव। रुक जाओ, हाँ ये देखो, ये रहा हमारा स्टीव, कितना मस्त लग रहा है। जॉम्बी भी देख लो, जॉम्बी ये रहा जॉम्बी। बी है हमारे पास, बाप रे बहुत बहुत ज्यादा खा लिया है लगता है इसने। एंड ब्लेज भी है, ब्लेज। वाओ यार, बहुत सारी चीजें। एलेक्स भी है, ये रहा एलेक्स। उसी के साथ साथ गास्ट को देखो, कितना मस्त है यार, मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और ये देखो, हम लोग के पास एंडरमैन भी है ये अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। और स्लाइम भी है, स्लाइम, और पिगलिंग भी है। वाओ यार, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। मतलब मैंने ये थोड़ी देर पहले देखा, लिटरली मैं ये रिकॉर्डिंग चालू कर रहा था और मुझे ये दिखा ये मोड, और मैंने सोचा कि ये क्या है भाई। फिर मैंने क्लिक किया और इंस्टॉल किया, और फिर मैंने ये देखा तो भाई मैं तो बोला कि क्यों नहीं मैंने ये दिखाया। देखो ये डायमंड वाला स्टीव, एकदम योद्धा। हीरो ब्राइन भी है भाई, हीरो ब्राइन। वाओ यार, इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, हीरो ब्राइन भी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो अब इन लोग का तो बहुत हो गया, अब मैं नेक्स्ट वाली जगह पे जाता हूँ जहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं। यस, सही गेस किया, नरूटो के कैरेक्टर्स को। तो अभी शुरुआत करते हैं हम लोग नरूटो से एनीमे में। तो इधर पे हम लोग रखते हैं नरूटो को, और ये देखो वाह, ये देखो नरूटो। उसके साथ साथ मुझे, मतलब नरूटो सीरीज में एनीमे में मुझे बस एक ही चीज पता है, नरूटो। एंड उसके साथ साथ मुझे एक और कैरेक्टर का नाम पता था, कहाँ पे गया वो, ककासी, ये मुझे पता है, ककासी मुझे पता है। तो ये रहा हमारा ककासी। एंड उसके बाद मैं ये सारे कैरेक्टर्स को भी रख देता हूँ इधर पे ही, तो मैं सबको रख देता हूँ। एंड एक नरूटो को रखे कि और भी नरूटो को रख दे, क्योंकि देखो हम लोग ये गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, तो जितने भी चाहिए उतने हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। इसके लिए अभी मैं नरूटो को बहुत सारे रखने वाला हूँ, नरूटो की पूरी आर्मी। नरूटो के फैन प्लीज सब्सक्राइब करना, मुझे पता है बहुत सारे लोग नरूटो देखे होंगे। बहुत सारी चीजें नरूटो में ही है। और ये देखो, वाओ, ये है कगुया, पता नहीं क्या है, कगुया, पता नहीं क्या प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, चलेगा, सुन लो। और ये देखो, ये कौन सा नरूटो है, वेट, ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा ही ओपी नरूटो लग रहा है, नरूटो भी और ओपी भी। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है इन लोग की बैटल में। और ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही दूर दूर नहीं रख लिए, मतलब ये इधर पे है और ये इधर पे है, दोनों एक किलोमीटर दूर, बहुत ज्यादा दूर है दोनों। बस देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी। ओ बाप रे भाई, इतना जल्दी इतना लैग क्यों हो रहा है गेम, बाप रे बाप। युद्ध चल रहा है और कौन जीता, मेरे ख्याल से नरूटो जीता। नरूटो तू जीत गया भाई, बहुत इजी था नरूटो के लिए शायद से। ओ हाँ, शायद से ओपी वाले नरूटो हम लोग ने रखा था ना। वेट, रेड टीम तो भाई ये लोग जीते, रेड टीम जीती ना। एक और बार करके देखते हैं बैटल, पता नहीं लगा उतने सही तरीके से कि कौन जीता है, और अभी पता लग जाएगा बहुत सही तरीके से। रेड टीम वाले हमारे माइनक्राफ्ट वाले हैं। ओ वाओ, ब्लू टीम विंस, इसका मतलब सही है कि ब्लू टीम जीती और ये रेड टीम मतलब माइनक्राफ्ट वाली टीम हारी। होता रहता है, ऐसा चलता रहता है। बट ये वाले नरूटो भाई बहुत ज्यादा ही मस्त है और कुछ ज्यादा ही ओवर पावर है। इसके लिए इन लोग को भाई मैं एक दो ही रखता हूँ, मतलब एक ही रखता हूँ, दो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, मतलब ये क्या चल रहा है,
वेट वेट भाई, कुछ ज्यादा लैग नहीं हो रहा गेम? हाँ आप सही हुआ, आप सही हुआ। कौन जीतने वाला है? ओ बाप रे भाई, इधर पे क्या लड़ाई चल रही है? देखो माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर्स तो पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर ये पता है कि ब्लू टीम जीती, मतलब हमारी नारुतो वाली टीम, एंड ये माइनक्राफ्ट वाले हार गए। मैं सोचा कि थोड़े बहुत कम कर देते हैं, मतलब सभी हटा देते हैं, अब बस नारुतो और ये माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर्स के बीच में फाइट होने दो, बैटल होने दो, देखते हैं कि क्या होता है। अब लेट्स गो, फाइट चालू हो चुकी है और अब ये नारुतो भाग रहे हैं बहुत ज्यादा स्पीड में, क्योंकि ये लोग निंजा हैं इसके लिए। और ये देखो भाई, कास्ट को देखो, कास्ट को देखो, ओ बाप रे, ओ माय गॉड, कास्ट गया काम से। एंड बाकी, अरे बाप रे भाई, माइनक्राफ्ट वाले कैरेक्टर्स में तो दम ही नहीं है ऐसा लग रहा है नारुतो के सामने। वाओ यार नाइस, वैसे है भी वो 26 है और ये 11 ही है बेचारे। अब नारुतो को एक रख के देखते हैं, एक नारुतो एंड एक कोई भी माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर, हीरोब्रेन, हाँ हीरोब्रेन को रख के देखते हैं। तो पहला तो नारुतो, इधर पे फाइट होने वाली है बहुत भयानक, एक तरफ नारुतो और दूसरी तरफ वो अपना हीरोब्रेन। हीरोब्रेन वेट, मेरे पास एंडर ड्रैगन भी है, वाओ। तो रुक के हम लोग इसे यूज करेंगे एंडर ड्रैगन को, अभी के लिए हीरोब्रेन। एक सेकेंड, रुको भाई, ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, ये क्या है भाई? वेट विलेजर, वाओ विलेजर भी आ चुका है टैब्स में। और इधर पे बाकी सारे, मतलब मुझे पता भी नहीं था इतने सारी चीजें हैं इसमें। तो अभी आ चुका है हीरोब्रेन एंड सामने है नारुतो, देखते हैं क्या होता है। और ये चालू हो चुकी है बैटल, ओ बाप रे, हीरोब्रेन दो हो गए, मैंने एक ही स्पॉन किया था पर। और नारुतो फुल कोशिश कर रहा है अपनी निंजा के स्किल्स की। भाई सही है ना तू? हाँ, लड़ाई चालू हो चुकी है बहुत भयानक। इतने सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या? बाप रे भाई, हीरो ब्रेन मल्टीप्लाई हो रहे ऐसा लग रहा है। नहीं अभी एक ही हीरो ब्रेन है। और दूर से कौन क्या चल के रहा है? ये कौन है? ये है क्या ये डब्बा? हीरो ब्रेन तो कुछ नहीं कर रहा है। और ये डब्बा पता नहीं ये क्या चीज है, क्या ये हीरो ब्रेन की कोई चाल है? ओ हीरो ब्रेन डबल हो गए, मल्टीप्लाई हुए। और ये सच्चे पत्थर हीरो ब्रेन, क्या चल रहा है भाई? हीरो ब्रेन की पावर्स तो बहुत ज्यादा ही है। ओ बाप रे, मुझे लगता है ये हीरो ब्रेन का कमाल था। बट हमारा नारुतो भी कम नहीं है, नारुतो अभी तक जिंदा है। भाई वेट, कौन जीता? ब्लू टीम जीती, मतलब कि हमारा नारुतो जीता। वेट, ये फेयर नहीं था, बिल्कुल भी फेयर नहीं था, क्योंकि इधर पे दो प्लेयर दिखा रहा है। अच्छा ये वैसे ही है क्या? मुझे नहीं पता। ये है क्या? मुझे नहीं पता। अच्छा स्लाइम, ओके स्लाइम आ रहा था हमारे बीच में। अब एकदम फेयर गेम होगा, अब कोई कह नहीं सकता कि प्रो फेयर गेम नहीं करता है। लेट्स गो स्टार्ट द बैटल, देखते हैं क्या होता है। हीरो ब्रेन अब अकेला है, पहले भी नारुतो जीता था, अभी भी नारुतो जीतेगा मेरे ख्याल से। लेकिन हीरो ब्रेन क्या कर लेगा भाई? वे यार कौन सी निंजा टेक्निक है? नारुतो डबल हो रहे हैं, हीरो ब्रेन डबल हो रहा है, दोनों अपने अपनी ताकतें यूज कर रहे हैं। मुझे पता था ब्लू टीम जीतेगी, यानी कि हमारा नारुतो जीतेगा। इधर पे बहुत सारे मैप्स है तो मैं इनमें से कोई एक करता हूँ, लेकिन कुछ अलग एंशिएंट 2 ही करते हैं, क्योंकि अभी एंशिएंट 1 खेला तो एंशिएंट 2 खेल के देखते हैं कि क्या पता उसके अंदर कुछ अलग हो। जो है ये देखो भाई, ये तो पुराने जमाने की बिल्डिंग है इधर पे बहुत सारी, लेकिन हमें फाइटिंग से मतलब है तो हम लोग इधर आ जाते हैं नीचे। अब मैं लाऊंगा बहुत ही कमाल की चीज को, जो है साइतामा। साइतामा मींस वन पंच मैन। मैंने नहीं देखी, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एनिमे नहीं देखी है, मैंने देखी है, हंटर देखी है, डेथ नोट देखी है, और मैंने बाकी कोई और नहीं मैंने देखी है, अगर कोई जानना चाहता है तो मेरे ख्याल से ये वन पंच मैन है। एंड तीनों को ला के देखते हैं। ओह मुझे तीनों में से भी चल अच्छा लग रहा है ज्यादा। तो हम लोग पहले तो ये एक लाएंगे, एंड उसके साथ साथ हम लोग लाएंगे इस बार मार्वल के कोई कैरेक्टर को हम लोग लेके आते हैं। मैं क्या लाने वाला हूँ, सबको पता है थैनोस को। तो वन पंच मैन बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन थैनोस भी कम नहीं है, मतलब थैनोस बिल्कुल भी कम नहीं है, वन पंच मैन भी कम नहीं है बिल्कुल भी। आई थिंक सो यार साइतामा ही वन पंच मैन है, रुक जाओ मुझे सर्च करने दो। हाँ साइतामा ही है वन पंच मैन। तो अब होने वाली है बैटल इन दोनों के बीच में। ये बहुत ही ज्यादा, दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मतलब दोनों ही ओपी हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द बैटल। और ये भाई कहाँ पे चले गए दोनों? व्हाट, क्या हुआ ये? मुझे पता भी नहीं लगा। लेकिन थैनोस जीता सरप्राइजिंगली,
लिटरली एक और मैं चालू करके देखता हूँ बैटल, और देखना हा? अभी देखो कहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, क्या हुआ, दूर चले गए ये लोग एकदम, और फिर कौन जीतेगा, रेड टीम भाई इस बार, व्हाट भाई, एक बार थैनोस जीता और दूसरी बार हमारा वन पंच मैन जीता, मतलब साइतामा जीता, बाप रे बाप भाई ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैटल हुई, दोनों उड़ के गए, ऐसा भी नहीं नीचे ही फाइट हो रही है, उड़ के गए दोनों एक दूसरे को मारने, और दोनों ही जीते, मतलब पहले बार ये जीता थैनोस, दूसरी बार हमारा वन पंच मैन जीता यानी कि साइतामा, तो ये बैटल तो बहुत ज्यादा ही ओवर पावर थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग बहुत सारे वन पंच मैन को ला देते हैं इधर पे एक तरफ, दूसरी तरफ मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग लाते हैं बहुत सारे थैनोस और हल्क को लाने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, थॉर और आयरन मैन को ला सकते हैं, स्पाइडरमैन को भी ला सकते हैं क्योंकि वो लोग पावरफुल हैं लेकिन ये गेम के अंदर उतने नहीं है, तो इसके लिए मैं ला देता हूँ थॉर को बहुत सारे, फिर आयरन मैन को ला देता हूँ पीछे, उसके साथ साथ मैं कैप्टन अमेरिका रहने दो, स्पाइडरमैन को ला देते हैं। ओके अब देखते हैं कि क्या होता है, वन पंच मैन वर्सेस हमारे सुपर हीरोज, और इधर पे धमाका हो रहा है एकदम, मतलब मुझे नहीं पता कि कौन जीतने वाला है, बट मुझे लगता है कि वन पंच मैन जीतेगा, लेकिन सुपर हीरोज भी भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है, भाई स्पाइडरमैन को देखो अपने वेब का क्या यूज कर रहा है, भाई ये क्या चल रहा है, वन पंच मैन किधर गया, मुझे कोई तो दिखा था, हाँ ये रहा वन पंच मैन और उसके साथ साथ आयरन मैन लड़ाई कर रहे हैं दो, ब्लू टीम जीती, तो ब्लू टीम में कौन था, मैं बोल रहा था मुझे पता था वन पंच मैन जीतेगा, और वही हुआ वन पंच मैन जीता, चलेगा भाई चलेगा, तुम लोग जाओ इधर से भाग जाओ, अब मैं लाने वाला हूँ हल्क को, वो भी तीन तीन, ओ बाप रे भाई बहुत ज्यादा ही बड़े बड़े हैं हल्क, लोकी की जरूरत नहीं है अभी बिल्कुल भी, वन पंच मैन वर्सेस हल्क देखते हैं कि क्या होता है, ओ बाप रे हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये मुझे दिख रहा है सब कुछ कि क्या चल के रहा है एक्चुअल में, तो हल्क गिर गया और हल्क पिट रहे, अरे कुछ करो, अरे भाई ये हल्क लोग कुछ कर ही नहीं रहे, अरे मेरा नाक काटना चाहते हो क्या, मेरा नाक कैसे कटेगा, और ये देखो भाई ये वन पंच मैन भाई कितना पावरफुल है यार, बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है इधर पे, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है, एंडिंग क्या होने वाली है, ओ बाप रे ये लोग तो नीचे चले गए, एक हल्क नीचे गया और दूसरा तीसरा हल्क इधर ही है, बट यार मुझे लग रहा था कि वन पंच मैन वन पंच से मारेगा, अरे एक पंच दे के खत्म कर, नीचे गया वो हल्क, अरे बाप रे इधर पे भाई क्या चल के रहा है, मतलब ये एक हल्क के साथ क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, पर जो भी होगा सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा हल्क के लिए, ओ बाप रे ये क्या हुआ, अच्छा इधर ही है, मुझे लगा ये क्या हो गया, हल्क ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, जो भी कर रहे हैं वो वन पंच मैन कर रहे हैं बहुत सारे, कौन जीतने वाला है, आई थिंक सो ये वन पंच मैन कम हो गए, तीन ही अभी, क्या जो मैं सोचा वही होगा, हल्क खत्म कर देगा वन पंच मैन को, देखते हैं क्या होता है, मेरे ख्याल से एक ही बच्चा है, ये हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है, अभी कुछ भी हो सकता है, क्या ये एक वन पंच मैन भारी पड़ेगा हल्क पे, जानते हैं थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा हम लोग को कौन जीतेगा। इन लोग की बैटल चलती जा रही है 10 मिनट से मैं देख रहा हूँ, कोई जीतने का नाम नहीं ले रहा या कोई हारने का नाम नहीं ले रहा, दोनों में से कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, ये लोगों की बैटल में कुछ पता ही नहीं लगता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वेट हल्क नीचे गया, इसी के साथ साथ वन पंच मैन की हो चुकी है विक्ट्री, बताना मत भूलना कि ये गेम में और खेलूं कि नहीं, तब तक के लिए बाय बाय।